बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे जो बस पेन लेके आए होते होते और डायरी होती नहीं पास में। चलो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है डन। अभी तक बट सभी का वीडियो ऑफ ही है, क्यों वह हाँ जी ये क्यों ऑफ है आप सभी का, मुझे बताएंगे सभी? वीडियो ऑन क्यों नहीं करना आप, करेंगे सभी? फटाफट अपनी वीडियो ऑन करो जो थर्ड पेज पे मुझे देख रहे हैं। वंदना मैम वेरी गुड इवनिंग, सभी अपना वीडियो ऑन करो फटाफट फटाफट। चलो ओके आओ सभी आ चुके हैं। सो टाइम हो चुका है निकालता जा रहा है बिकॉज दिस इज टाइम है, थोड़ा उनको भी अदर काम भी होते हैं, कुछ देखना पड़ता है। ठीक है 15 मिनट पहले उनको ये लिए, सभी बिना टाइम वेस्ट के इनवाइट करते वन ऑफ द बेस्ट लीडर जो आज के हमारे होस्ट है। ठीक है जो आप सभी के लिए, जो बाकी की आप जो गर्ल्स है, जो यूथ है, यूथ ठीक है, आप देखो कि आपके लिए कितना बेस्ट टाइम है और कितने बेस्ट डायमंड से आपके पास सीखने को मिलने वाला है। जो खुद मैं उनसे सीखता हूँ हर टाइम, जो कुछ भी दिक्कत आती है हर टाइम उनको कॉल करते हैं, तो मुझे हर टाइम सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे मेरी टीम को गाइड करें आगे बढ़ाएं और जो वैसा उनका माइंडसेट आपका बनाए। ठीक है जस्ट वन मिनट, सो इन्वाइट करते हैं आज के हमारे होस्ट को वन ऑफ द बेस्ट लीडर ठीक है मिस मंजू मैम को। सो हेलो मंजू मैम, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग, कैसे हो आप? देखो आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है उनका। यस यस वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबका एक्साइटमेंट देखकर मजा आ जाता है। आज के दिन कोई भी हमारे सेशन में अपनी बैक को शोल्डर को डाउन करके नहीं बैठेगा। सबसे पहले तभी अपने शोल्डर को ना बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठेंगे क्योंकि जिसकी स्पाइन सीधी होती है उसका मैसेज सीधा यहाँ जाता है। और जब यहाँ आप साइंटिफिकली भी देखेंगे ना, जितनी भी हरकतें होती हैं, पलकें झपकती हैं, हाथ हिलते हैं या जो भी एक्टिविटीज होती है यहाँ से होती है भाई, इधर से कुछ नहीं होता है। ठीक है हेड को ठीक करो, आपके पेन का हेड का जो है ना वो दिखाई देता है, वो टॉप की बात है। तो आज इस टॉप को ना सीधा रखिए आज, राइट। और यहाँ से जो एक्टिविटीज होने वाली है अभिषेक, चीजें बताने वाली हूँ जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप आज लिंक बना रहे हैं तो मेरे जितने पार्टिसिपेंट्स, मेरे जितने साथी हैं उनको भी काम आएगी और आपके भी। क्योंकि हम सभी जब ग्लोबल रैली में जाते हैं तो हमें सवाल पूछा जाता है कि हु आर यू, ये सवाल पूछा जाता है। और हम कभी कभी कहते हैं या पूछते हैं आप कहाँ से, तो हम बोलते हैं इंडिया से, कोई बोलता है अफ्रीका से, कोई बोलता है जापान से। तब हमारे रेगमोहन कहते हैं कि नो वी ऑल आर फॉरएवर, फॉरएवर बिल्कुल सही बात, फॉरएवर है और कुछ नहीं। तो फॉरएवर की जब बात आती है तो एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है और सच्चाई भी आपके साथ चलती है, क्योंकि इसका बेस ही प्रोडक्ट है जो 45 इयर्स से लोगों को हेल्थ, पर्सनल केयर, स्किन केयर, खेती के लिए कुछ चीजें जिसकी मल्टी यूजेस है, ऐसी ऐसी चीजें आपको दे रहा है कि हर एक साधारण इंसान कहीं भी किसी भी कैटेगरी में हो और कैसे भी माइंडसेट के साथ हो, यदि प्रोडक्ट्स की बेसिक को समझ लेगा ना तो आसानी से वो बिजनेस को डेवलप कर लेगा। और सबसे मेन क्या है, और एक मैं बताना चाहता हूँ, सबसे मेन यहाँ पर मेरे साथ ऑलरेडी यहाँ पर 300 लोग हैं, 200 से ज्यादा यूट्यूबर, मतलब अप्रॉक्स 500 से ज्यादा लोग अभी राइट नाउ आपको देख रहे हैं। सबसे मेन यहाँ पर लोगों के अंदर प्रोडक्ट नॉलेज है ना, पर सिखा तो देते, उनको पता नहीं होता है। ठीक है बट मुझे पता है कि आप स्पेशलिस्ट हो इस बिजनेस में, इस 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है, बट वही मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मेरी होल टीम को सिखाएं। ठीक है सो बाकी सब कुछ मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ मैम, आगे का सारा आप मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं जरूर करूंगी अभिषेक, लेकिन आप ही रखो म्यूट, अनम्यूट करना आप ही रखो क्योंकि मैं सभी को जानती नहीं हूँ ना, तो थोड़ा कोऑर्डिनेट करो, मेरे साथ रहो आज के दिन। आप सभी ना बिल्कुल 45 मिनट्स इस तरह बैठिए कि इससे ना 100% इस साल का जो आपके मेंटोर के द्वारा 8 सीसी का जो टारगेट दिया गया है ना, कि यहाँ होने वाला है आपका, समझ पा रहे हैं, ये यहाँ से होने वाला है। ओके ये इसकी शुरुआत है। सो इन्होंने बहुत सही समय पे आपका सेशन लगाया है। चलिए आइए सबसे पहली शुरुआत करते हैं, जब एक नन्ना मुन्ना बच्चा घर में जन्म लेता है, सही बात है, नन्ना मुन्ना बच्चा जन्म लेता है, 2 से 1.5 दांत निकलता नहीं कि माएं मार्केट में पेस्ट खोदने निकल पड़ती हैं कि मेरे बच्चे की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा पेस्ट कौन सा है। सही बात है, निकल पड़ते हैं हम अच्छी चीजें देखने के लिए। जब देखने निकलते हैं तो दुनिया भर की चीरियों से लेकर कई ऐसी ब्रांड्स की पेस्ट हमारे सामने आती है। मलेशिया की कंज्यूमर फोरम की बुक में इन सारे नामों का उल्लेख है जिन पेस्ट को भारत में हम माएं इस्तेमाल कराते हैं, जिसमें 100% कैंसर पोजिंग एजेंट्स अवेलेबल है। अब आप सोचिए कि हमें क्या देना है अपने बच्चों को,
और 45 इयर्स से इसकी जो ब्राइट टूथ जेल है ना, वो ऐसा धमाल मचा रखी है कि आपको किसी भी तरह का मसूड़ों में सूजन हो, कई बार ना मजेदार बात बताती जिनकी बत्ती सी होती है, ठीक है, जो दांत निकाल लेते हैं उनके लिए भी मसूड़े तो उसके पास होते हैं ना, छाले तो हो सकते हैं ना, त्वचा तो होती है ना, आप बताओ इनके लिए भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि मेरी मदर की है ये प्रॉब्लम, तो मैंने इसको सॉल्व किया, इसलिए ये किस्सा बता रही हूँ। तो नन्हे बच्चे से लेकर आप स्वयं, क्योंकि छोटा बच्चा हो या हम हो, जब हम ब्रश करते हैं हमारे पेट में उसके कुछ न कुछ पार्टिकल्स, कुछ न कुछ कण और कुछ जाग चला जाता है, जो धीरे 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 करके कुछ सालों के बाद आपके पेट में अलग अलग तरह के दर्द निकाल। सच सच बताइए, यदि आपका दोस्त आता है, मान लो आज अभिषेक के पेट में दर्द है, ये परिवार के पहले की बात कर रहे हैं, और उसको निशांत आता है, चलो ना पिक्चर देखने चलते हैं। अब अभिषेक के पेट में दर्द चलती है, बार बार दर्द होती है, वो बारिश के दिनों में जाएगा बाहर, जाएगा वो बोलेगा नहीं यार मेरा मूड ही नहीं होता, मेरा मूड खराब रहता है। ब्राइट टूथ जेल जब आप इस्तेमाल करते हो ना, आपके दांत बोलते मेरा मूड बड़ा अच्छा है, बार बार स्माइल करते हैं, पता है स्माइल के साथ आपके साथ रहते हैं, क्योंकि देखो स्माइल आपका ना सबसे पहला सिग्निफिकेंट है, एकदम सामने दिखाता है कि आप क्या पर्सनैलिटी है। कुछ लोग रहते हैं इतनी अच्छी बातें होती लेकिन इतना मुंह ऐसा बंद रहता है, ऐसा शांत रहता है कि घबराहट होती है कि गलत तो नहीं हो गया, है ना। तो स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए, जो किसी खाली बिजनेस के मोहताज बिल्कुल नहीं है, एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी जिंदगी जीने का पहला तौर तरीका है कि अच्छी स्माइल कैरी करें। दूसरी बात, साफ सुथरी त्वचा, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपके शरीर पे कहीं जख्म हो जाए, कहीं इरिटेशन हो, कहीं खुजली हो आपको, या कोई दाग पड़ जाए, कहीं जल जाए आप, कोई कीड़ा काट ले, मॉस्किटो बाइट हो जाए, आप उस पे भी इस पेस्ट को लगा सकते हैं और बिंदास लगा सकते हैं, 100% रिजल्ट आएगा। मैं किसी कंफ्यूजन या दो बातों में नहीं बात कर रही हूँ जी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 100% रिजल्ट आएगा। आपके पास कभी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, देखो ब्रश और पेस्ट तो रहती है, बाकी कुछ रहे ना रहे, कभी कभी हम शैम्पू भूल जाते हैं, कभी सोप भूल, आप इसी पेस्ट से थोड़ा सा लीजिए, पेस्ट को गीला कीजिए और आपके फेस को रब कर लीजिए, आप इतना एनर्जेटिक फील करोगे ना, एकदम ठंडा 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 लगता है, कूल और फ्रेश हो जाते हो और स्किन क्लीन हो जाती है। इसकी वजह क्या है, अभी कोई जादू थोड़ी ना है, रिक्स मॉल जी ने कोई जादू नहीं बनाया था जी, जादू हो जाए आपकी त्वचा पे ऐसी चीजें बताई थी, क्यों, क्योंकि लेगनिन और सेपोनिन के डीप गुणधर्मों के साथ या डीप तक पेनिट्रेट होने की क्षमता रखता है, आपको कंटेंट के रूप में मिल रहा है जिसमें प्रोपोलिस की कंटेंट है, जो आपको एंटीवायरल और बैक्टीरियल की सत्व देता है, तो यहाँ पे सफाई भी हो जाती है, क्लीन भी हो जाता है और साथ में फ्रेशनेस भी मिलती है, तो आप फ्रेश हो जाते हो। तो आप सोचो कि है तो पेस्ट, लेकिन आपके दांतों में किसी भी तरह की बीमारियां हो, चाहे मसूड़े फूलते हो, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, मुंह से दुर्गंध आती हो, या मुंह में छाले होते हो, गरारे, गले में गला बार बार खराब होता है, मुझे और अभिषेक को पूरे दिन में बहुत बोलना पड़ता है, पूरे दिन बोलते रहते हम लोग, है ना, तो गले में खराश होना बहुत जायज बात होती है। मैं सच कहती हूँ, आप बीच बीच में ना इसका कुनकुने पानी में डालकर इसका सेवन करते रहिए, गरारे करते रहिए, आपका गला बहुत साफ होता है, राइट। तो आप सोचिए कि एक पेस्ट जिसकी शुरुआत आप कर रहे हैं, तो नन्ना बच्चा जब पहली बार से शुरू से ही यदि एक अच्छी चीज का सेवन करता है, तो उसके दांतों में कीट लगने की संभावना ना के बराबर होती है। हम छोटे छोटे 8 साल के, 4 साल के, 9 साल के बच्चों के दांत सड़े हुए पाते हैं, अब वो मिल्क पीत होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट है इसलिए बात कर रही, ठीक है, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, सो मेरे पास कई पेशेंट भी होते हैं जो सवाल जवाब करते हैं, सो उस बेस पे आपको समझा रही हूँ। आप सोचिए, अब वहां से शुरुआत होती है, फिर नन्हे बच्चे को अच्छी त्वचा रखनी है, पूरी स्नान कराना पड़ेगा कि नहीं, उसके लिए भी हम जॉनसन एंड जॉनसन 3 से 4 बार भारत से आउट हुआ, फिर आया, गया, फिर आया, ओके, तो ये चलता रहता है सिलसिला। परंतु जो बेहतरीन सी हमारे जो एलसीडी पे जो सुंदर सुंदर एडवर्टाइजमेंट चलती है ना, इसके मुंह में हम चले ही जाते हैं। कितने लोग हैं ना जो अपनी एड कैसे देते हैं, एक छोटी सी क्रीम लगाई, ऐसा गोरा चेहरा निकल के आता है कि किसी का भी दिल करता है यार घुस जाओ, किसी का भी दिल करता है इसमें घुस जाओ, सही बात है। तो इस तरह की ना प्रलोभन वाली एड आती है, हम वो नहीं कर पाते, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो एड कर रहा है स्टार वो भी उस चीजों को इस्तेमाल नहीं करता। क्या आपको लगता है कैटरीना कैफ ब्लीच इस्तेमाल करती होगी, उसको तो उसकी मम्मी ने ब्लीच करके ही भेजा है धरती पे, सही बात है, तो वो तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसी खूबसूरत ऐड आती है जिसमें हम चले जाते हैं। हमारा काम है कि
सही चीजों को सही तरीके से पेश किया जाए। यदि आप सही एडवाइस या सही गाइडेंस करेंगे तो 100% वह वेस्ट वो आपके साथ ली जाएगी और वो ले। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि इसका जो एलो लिक्विड सोप है, ये नन्हे बच्चों से लेकर यदि किसी को सोरासिस है, किसी को एक्जिमा है, किसी को खुजली की प्रॉब्लम है, बॉडी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों पे आप इसे स्नान करिए और इसे लगाकर कुछ देर के लिए रब कीजिए, 100% इसमें फायदा होता है। बच्चे को नहला रहे तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हैंड सोप से, इससे से मतलब अभी जो नाम पड़ गया इसका एलो लिक्विड सोप, इससे आप नहलाइए बिंदास। इतना सस्ता पड़ता है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, है ना। दो ड्रॉप में बच्चा नहा कैसे खिल के निकलता है। और सबसे खुशी की बात कि जैसे माँ या आपको परिवार चाहता है कि बच्चे को किसी तरह की त्वचा की प्रॉब्लम्स ना हो, ना रैशेस आए, ना इचिंग की प्रॉब्लम हो, आपको ये दर्शन होते दिखाई देते हैं। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर एसएलपी टीवी देखते हैं ना, तो उनका हमारा जब अभी एसएलपी में इसलिए लोगों को पता है, बट एसएलपी में आने से पहले बहुत सारे लोग एसएलपी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। अभी बाय एग्जांपल वहाँ पर अभी जो अपने छोटे बच्चे स्किन के लिए, अपने चेहरे के लिए, अपने स्किन के लिए बोलते हैं, वहाँ पर एक आते कोई बोलते हैं कि लक्स साबन, वो भी कोई हीरोइन होती है, एक्ट्रेस होती है, बोलती है कि मेरी गोर है त्वचा का राज लक्स साबन। तुमको क्या लगता है कि हीरोइन यूज करती होगी तो हमने भी यूज करना चाहिए, है ना। फिर बाद में उसी सोप से अपना चेहरा खराब करके बैठते हैं, फिर उनको बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, है ना। बट उनको ये नहीं पता होता कि जो सही प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करेंगे तो कितना बेस्ट रहेगा, है ना। जो आपने बताया उनको जो टूट जाए, इतना वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, अपने लिखा भी होता है कि नो फ्लोराइड, इससे कुछ भी नहीं होता है, बट इसको पावर आप सभी को समझ लो। और बहुत सारे आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जब आपका दूध खत्म हो जाता है तुरंत आप अपने फॉरेनर का ही ऑर्डर करवाना और फॉरेनर का ही यूज करवाना है, और ये भी मैम आपको बता रहे हैं। थैंक यू मैम। इसमें बहुत अच्छी बात कही अभिषेक आपने कि इसमें फ्लोराइड की जो नो फ्लोराइड, आपने नोटिस किया होगा बाकी अदर जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, आप जहाँ मार्केट का कोई पेस्ट लाओगे ना, जो जानकारी देनी है उन्होंने इतनी बारीक होती है कि आप ना रीडिंग ग्लास पहन के भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन नो फ्लोराइड, फ्लोराइड के बारे में इतना बारीक लिखा रहता है कि आपको ना वो मेंशन नहीं हो पाता है, नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें नो फ्लोराइड सबसे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंस होता है, जो सच्चाई होती है खुल के आती है। दूसरी बात, जैसे अभिषेक ने कहा कि आपका खत्म हो जाए, मैं ये कहूंगी कि खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। आप वो पेस्ट को ना आपके बर्तन मांजने में, कहीं कुछ धोने में बहुत ऐड आती है ना, ऐसा कर सकते पेस्ट, वो पेस्ट को इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन आप ना इसके पेस्ट को अपने घर में अपना एक सबसे पहला टूल बना लीजिए, जो हेल्थ, अच्छी हेल्थ देने के लिए। किचन में यदि कुछ जल गया आप लगा लीजिए, जैसे मैंने कहा ना मल्टी यूज होता है, आप एक पेस्ट खाली पेस्ट नहीं होता, आपके घर में ना फर्स्ट एड बॉक्स का काम करता है, सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ से दूसरी बात, यहीं से उद्योग मिल रहा है ना, हम मार्केट में जैसे कहा कि कैटरीना है, शाहरुख खान है, ये सारे उसमें से नहा के निकल रहे, लक्स में से तो इतने लोग निकले कि क्या बताऊं। लेकिन मैंने ना बॉम्बे जाके सबसे पूछा, जो जो मिले मुझे एयरपोर्ट में उनसे पूछा कि भाई आप लक्स से कितनी बार नहाए, उन्होंने बोला हम लक्स से नहीं नहाते, समझ रहे हैं आप लोग। और गौहर खान जो है ना, इतनी बड़ी अभिनेत्री, इतनी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, वो हमारे फॉरेवर की मैनेजर बन चुकी, क्यों बनी पता, उसको काम थोड़ी करना था, उसके पास टाइम नहीं था, सिर्फ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए मैनेज। तो ये सारी इंडस्ट्री में चीजें अंदर चलती हैं, पर उसकी प्रमोशन वो नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने अपने तरीके से स्वयं प्रमोशन कर सकते हैं। आज आप जैसे भी दिख रहे हैं, यदि कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अभिषेक का एग्जाम्पल देती हूँ। अभिषेक जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो उसको टैनिंग बहुत थी, उन्होंने सोनिया जेल क्लींजर इस्तेमाल करके उसकी टैनिंग पूरी गलत की। ये आप सब परिवार भी उसको नोटिस करते होंगे, क्योंकि आपके मेंटोर है, उसकी स्किन इतनी साफ हो गई ना, दाग थे वो सब कुछ निकल गए, बहुत हेल्दी स्किन हो गई। और अभिषेक की पर्सनालिटी तो इतनी ज्यादा ग्रो हुई है कि मैं सबको ब्लेसिंग देती हूँ कि आप इसके नक्शे कदम पे चलिए। और जैसे अभिषेक बताते कि मैम मेरी मदद करते, मैं सच कहती हूँ, मार के बाद आकर इस बच्चे ने मेरी, इसने और निशान ने जो मेरी हेल्प की है ना, इससे मैं डिजिटल काम करने लगी। सो थैंक यू बेटा, अच्छा करो तो अच्छा मिलता है, ये विश्वास ना आप और हम जरूर कायम रखेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सबसे मेन अभी जैसे हमने पर्सनल केयर में स्टार्ट किया, तो पर्सनल केयर में एवोकाडो सोप हम सभी का फेवरेट होना चाहिए, इसके अलावा कोई सोप हमारे घर में आनी नहीं चाहिए। मैं सच में कहती हूँ, आप दो टाइम फेस को धोते हो ना, तब भी आपको 5 महीने के आसपास चलती है, इतनी रिजनेबल पड़ेगी और आपकी स्किन ना फ्रेश रहेगी, जल्दी जुरिया नहीं पड़ेगी। इसकी वजह क्या है पता आपको,
इसके अंदर जो एवोकाडो बटर से बना हुआ बटर, अब बटर क्या करेगा, सॉफ्टनेस देगा, है ना, आपको फ्रेशनेस देगा, सॉफ्टनेस देगा, गंदगी को साफ करेगा। इसका जो कंटेंट फॉर्मूला है, अब सारे फॉर्मूले बताने जाऊंगी अभी तो टाइम बहुत हो जाएगा, आप इसको फिर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ओके। लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना ये समझ लीजिए, समझ लीजिए किसी की बहुत सांवली त्वचा है। हमारे भारतवर्ष में ना सांवली त्वचा के नाम से बड़ा एक कॉम्प्लेक्स होता है लोगों को, इसकी मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ। यदि हमारी सांवली त्वचा है तो हमने क्या करना है, एवोकाडो से दो बार फेस को धोना है, और दूसरा है जेल क्लिंजर, सोनिया रिफ्रेशिंग जेल क्लिंजर, इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसे इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने प्रोपोलिस क्रीम और एपीब्लैंक को मिक्स करके, एपीब्लैंक का जस्ट दो, ये बहुत बारीक मुंह आता है, उसको मिक्स करिए और उसे रोज लगाइए, आपका कॉम्प्लेक्शन 100% ठीक हो जाएगा। आप चूंकि अभिषेक आज मेरा इंस्टा भी दे देंगे तो मुझे कहीं भी पकड़ सकते हो, ठीक है, और 10 साल के एक्सपीरियंस तो है ही, कई लोगों को ये सारी चीजें मिली है। इसके बाद सेकंड आता है, एक्ने से लोग बड़े परेशान होते हैं, है ना, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, खास करके बारिश के दिनों में आपको ईचिंग भी होती है, मॉइस्चर भी निकलता है, तो हम सब क्या करते हैं, ड्राई होने वाली सोप लेकर आते हैं कि चेहरा ड्राई रहे, ऑयल चला जाए, लेकिन ये फॉर्मूला कभी सही नहीं होता है, ये आपकी त्वचा की तीसरी लहर को डैमेज करता है, आप समझ रहे हैं, तीसरी लहर को डैमेज करता है। अब आपने क्या करना है कि हमारे एवोकाडो से फेस धोना है, साथ में आपने प्रोपोलिस क्रीम इस्तेमाल करनी है, और सोनिया जेल क्लिंजर, इन तीन चीजों को ही इस्तेमाल करना है और लगातार करना है, दिन में 3 बार चेहरा धोना है, 100% एक्ने की प्रॉब्लम चली जाएगी। इसके साथ और एक साथ करना है क्या, कि यदि आपके बॉडी में, क्योंकि ब्लड प्यूरिफिकेशन या फिर आपको देखिए ब्लड सही नहीं रहता ना, तब भी आपको एक्ने हो सकते हैं, आपकी गटर अच्छी नहीं है तब भी आपको एक्ने हो सकते हैं, तो कारण बहुत सारे होते हैं, बहुत जरूरी हो तो मुझसे कोई भी बात कर सकेगा, आप कर लीजिएगा बाद में बात, नहीं तो एक छोटा सा अच्छा सा नुस्खा दे रही हूँ, या तो नेक्टर पी लीजिए 2 महीना लगातार 10 दिन की एक बोतल के हिसाब से, या फिर सी प्लस को रेगुलर 3 महीना ले लीजिए, ठीक है, तो इंटरनली आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि सी प्लस में विटामिन सी हमारी त्वचा के रोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम करती है, उसे हटाते हैं, ओके। और मैम मैं एक बताना चाहता हूँ, जो आपने बताया पेरी नेक्टर है ना, और यहाँ पर अप्रोक्स बहुत सारे गर्ल्स है ना, हाउस वाइफ है, उनके लिए तो पेरी नेक्टर बना बहुत बेस्ट प्रोडक्ट, जो वरदान बोलते हैं बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है पेरी नेक्टर, जो गर्ल्स बहुत सारे यूज ही नहीं करते, उनको लगता है कि हमें इनका टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता, हमने यूज नहीं किया, वो सारे प्रोडक्ट्स तो आ जाते बट यूज नहीं करते, उनको पता नहीं कि उसका कितना कुछ बेनिफिट्स है एक पेरी नेक्टर का, है ना, और सबसे मेन वो गर्ल्स के लिए बनाया, सही बात ना। देखिए जिनके पास ओवरी है, तो फीमेल के पास ओवरी होता है, उस ओवरी को साफ रखना, उसके साइकिल को रूटीन में रखना, उसमें कहीं किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, यूरिनरी ट्रैक ये सभी के पास होता है, किडनी ये सभी के पास होती है, तो किडनी फिल्ट्रेशन से लेकर ये सारी चीजें सफाई होना और उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 100% पेरी नेक्टर काम करता है। डायबिटिक पेशेंट है तो वो जेल पे शिफ्ट हो जाए, एलोवेरा जेल पे, लेकिन डायबिटीज नहीं है तो आप 100% जितनी भी महिलाएं हैं उसे स्पेशली कह दूं, या उसके पहचान में कोई लोग होंगे, देखिए जितने भी भाई हैं, जितने भी बच्चे बैठे, उनकी भी बहनें, उनकी भी मम्मी, उनकी भी भाभियां, सभी है ना, ह्यूमन बींग होता है, तो उन्हें भी यदि पेट दर्द की समस्या होती है पीरियड्स के दौरान, या किसी भी तरह की ऐसी समस्याएं हो, 100% बिना काउंसलिंग के आप इसको पेरी नेक्टर को लीजिए और साथ में रॉयल जेली ले लीजिए, 3 महीने का कोर्स कीजिए, पेट दर्द की समस्या कितनी भी ज्यादा हो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, ओके। और पीरियड्स में प्रॉब्लम रहती है अलग अलग तरह से, उसके लिए भी किसी को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ बात कर लीजिएगा, राइट, यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और पेरी नेक्टर किडनी नेफ्रो की किसी भी डिजीज के लिए 100% काम करता है, 100%, ओके, क्योंकि विटामिन सी क्रैनबेरी के जूसेस के साथ और एप्पल के जूसेस के साथ, एलोवेरा 70% साथ होने की वजह से फिल्ट्रेशन के साथ हमें आपको बहुत अच्छा, काफी लोगों को पता है ना आपको जैसे प्रोटीन बह जाता है, ऐसी कई समस्याएं होती है लोगों को, आप उन्हें रेकमेंड करना स्टार्ट कीजिए, बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि उसको डायबिटीज है या नहीं है, फिर आप एक गाइडेंस लेकर ही किसी को दे, राइट। इसके बाद एलोवेरा जेल को भी साथ ले लेते हैं अभिषेक, क्योंकि एलोवेरा जेल इस कंपनी का, हमारे रेक्सवान जी की सबसे पहली सोच और सबसे पहली चीज थी जिसने पूरी दुनिया में काम किया, और बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स पैटेंटेड है, कितनी खुशी की बात है। मुझे सबसे अच्छा इसका जो साइन है ना, इसको सिर्फ जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें क्यूरल फ्री मुझे लगता है,
किसी जानवर पे इसका टेस्ट नहीं किया जाता है, ना किसी लगाने के प्रोडक्ट को, ना किसी खाने के प्रोडक्ट को। यही से आत्मसंतुष्टि होती है कि कितनी खूबसूरत और नेचुरल चीजें हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने सर्टिफिकेट है एलो वर्ल्ड काउंसिल की तरफ से, 12 देश मिलकर इसको एवरी ईयर इस सर्टिफिकेट को देते हैं। थम इम्प्रेशन का भी हमें ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, सारे प्रोडक्ट थम इम्प्रेशन, यानी आप किसी भी देश में किसी भी इंसान में इसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती, पैटेंटेड है, कोई चोरी नहीं कर सकता। आप सोचो कि आप किस इंडस्ट्री में हो जहाँ पे ऐसे यूनिक पैटेंटेड प्रोडक्ट्स आपके आजू बाजू, राइट, और जो 100% आपको रिजल्ट्स देते हैं। साथ ही साथ जो ड्रिंक्स की बारी है तो मैं बिट्स एंड पिचेस को जिक्र किए बिना नहीं रहूंगी, क्योंकि नन्हे नन्हे बच्चों को चश्मे, ये इतनी बड़ी समस्या है, नन्हे मन्ने बच्चों को वीकनेस, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आती है। जितने भी मदर्स यहाँ पे ना अपने बच्चों को बिंदास आप ना बिट्स एंड पिचेस दीजिए, आपकी जो डेयरी मिल्क या चॉकलेट्स देने की आदत होगी ना, चिप्स या कुरकुरे दिया जाता है, बच्चे जिद करते हैं हम देते, है ना। और हेल्दी ड्रिंक्स के रूप में मार्केट से भी बहुत सारी चीजें परचेस करके आते हैं, हटा दीजिए आप इसका एक ग्लास 100 ml ना सेवन करा दीजिए बच्चे को, आप 2 महीने में उस बच्चे में इतना चेंज पाएंगे, तो बच्चा चिड़चिड़ा है ना, उसकी कुदरती तौर पे ना ऐसी एनर्जी बिल्ट होगी, उसका मानसिक संतुलन इतना बढ़िया हो जाएगा ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब अच्छा होता है ना तो दिमाग को ना बहुत अच्छे मैसेज मिलते हैं, वो बच्चा बड़ा शांत, बड़ा निर्मल, सच में अच्छा बन जाएगा, ये बहुत बड़ा अंतर होगा। सो बिट्स एंड पिचेस पिलाइए ताकि विटामिन ए की कमी उस बच्चे में ना हो, आंखों के कोई रोग उसको बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद साथ ही साथ अभी फ्रीडम भी लॉन्च हो चुका है। फ्रीडम लॉन्च करने का सबसे फॉरएवर फ्रीडम इसलिए आया कि हम सब सीनियर्स की मांग थी, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया तो इसमें मैं अपने टेस्टिमनी जरूर कहूंगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आरए फैक्टर पॉजिटिव, जब मुझे ये समस्या थी आर्थराइटिस की, है ना, भारतवर्ष में यह समस्या पूरे वर्ल्ड वाइड हम सेकेंड स्थान में आते हैं जहाँ आर्थराइटिस होता है। ओके, अब सोचो इसमें से कई अच्छे अच्छे करके लोग, इसमें कोई घर परिवार या मैन एंड वुमेन नहीं देखा जाता है, हमारी गलत जीव भी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा मिलता है गिफ्ट में, जिसको बीमारी कहा जाता है, वो कुछ नहीं हो सकती है, राइट। तो मुझे भी एसिडिटी होती थी बहुत ज्यादा, वहां से मुझे गिफ्ट मिला रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैंने फॉरएवर को सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन मेरी इस बीमारी को ठीक करने के लिए किया, उसके अलावा मेरा कोई पर्पस नहीं था। लेकिन बाद में जो विजन क्लियरिटी आई, जो समझ आई प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार किया, क्योंकि इतनी अच्छी हेल्थ, जब मैंने वो 4-5 साल सफर किया था, मुझे जितने लोग मेरे भी आज बैठे हैं आपके साथ, जितने लोग जानते हैं वो सभी जानते हैं कि मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ थी और 4-5 साल में किस तरह परेशान थी, लेकिन सारी पेथी में जाकर ठीक करते करते इतनी अंदर हालत खराब हुई। जब मुझे फॉरएवर मिला, मैंने इसके सारे सप्लीमेंट्स, यानी करीब करीब 2010 की बात कर रही हूँ, उसके पहले की बात कर रही हूँ, 9 में मैंने सारे सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किया। उस समय मेरा ना पर मंथ बजट ना मेरा 7-8 हज़ार जाता था पेन मैनने का, आप सोच के देखो आज से इतने साल पहले 7 हज़ार यानी अटैक आ जाता है लोगों को, फिर उसको हार्ट की दवाई कराओ, सही है। लेकिन मुझे इतना समझ में आया था कि हम इतने खर्च कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे से जीना है, मेरी एक जिद थी। साथियों, कभी भी ना पैशन रखो, जुनून रखो, जिद रखो। जिद कैसे रखो बताए, आगे दिशा में बढ़ाए, आपको जीवन को सही बनाए। मैंने अपने आप को ठीक रखने के लिए, थायराइड के लिए भी जरूर बताऊंगी, मैंने तय किया कि मुझे ना किसी भी तरह से अपने शरीर को ठीक करना है, जहां से मिले स्टार्ट किया। 3 महीने ना वापस और पेन बढ़ता था, ज्यादा पेन होता था, कोई बात नहीं, इसके डीप चीज को समझ लिया था कि हीलिंग क्राइसिस करता है, हील करके आपकी गंदगी को साफ करता है, हील करके आपके सेल लेवल पे काम करता है, हील करके जितनी डैमेज चीजें उसको बाहर निकालता है, हील करके नई चीजें बनाता है। अब जो नई चीजें बनाएगा तो लेगा ना आपसे, 4th महीने में ना मेरी एसिडिटी ना के बराबर रही, ये मुझे इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला, जो 9th क्लास से मैं उसको झेलती थी ना एसिडिटी को। कितने लोग हैं जिसको एसिडिटी होती है, या कितने लोग हैं जो अपने एसिडिटी वालों को जानते हैं, बहुत सारे ना, शायद सभी कहेंगे सबके सब, जी 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 राजू राम जी सही बोल रहे हैं, सभी जनरल बात ये, क्योंकि हमारा जो फूड है वो कैसे बनता है, क्या होता है, वो सभी जानते हैं। वो सारी लंबी स्टोरी न करते हुए बताती हूँ कि मैंने जब फ्रीडम और साथ में नेचर माइंड आता था, फील्ड्स ऑफ ग्रीन, अभी जो एक्टिव एचए के रूप में, मैं बताऊंगी हेल्थ का बहुत अच्छे से लूंगी, आप सब नोट डाउन कीजिएगा कि क्या क्या किस बीमारी में आपने लेना है, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। और अभिषेक ने यूट्यूब लिंक बनाई तो बार बार भी आप उसको ठीक कर सकते हैं, करेक्ट। सो वहां से मैंने सी प्लस ये सारी चीजें लेते लेते, लेकिन एलोवेरा जेल और फ्रीडम उसको सबसे ज्यादा मात्रा में लिया, और सच कहती हूँ
जो डेफिशिएंसीज मेरे शरीर में थी ना पूरी खत्म हो गई। और मैं ना आज 50 की एज में भी ना 15-15 घंटे बहुत शाम से काम कर लेती हूँ। शायद ही कोई होगा जो 50 की एज में ना इतने ज्यादा वर्किंग आवर्स ले पाता है, नहीं ले पाते हम विमेंस खास करके, है ना, कई तरह के अंदर इतनी कमियां हो जाती है ना शरीर में कि हम बहुत थकान महसूस करते हैं। लेकिन मैं आज भी बहुत एनर्जी कैरी कर रही थी। इसकी वजह है कि मैंने उस समय अपने शरीर पे ध्यान दिया और उसके बाद लगातार ध्यान दिया। यह कितने लोग हैं जो सुबह सुबह वॉकिंग जाते हैं, जो सच में जाते हैं वही हाथ खड़ा करना, ठीक है? बहुत सारे पैसे जाते हैं, 10 बजे तक सोते रहते हैं। सही बात है, वॉकिंग हम जाते हैं, सही बात है, वॉकिंग हम जाते हैं। कितने लोग हैं जो दो दिन वॉकिंग जाते, तीसरे दिन बोलते कल जाएंगे, तो एक्सक्यूजेस देते हैं, जो बोलते आज नहीं, बारिश हो रही, कल जाएंगे। है ना, आज दो बार जिम गए, परसों जाएंगे, अरे यार आज कुछ ऐसा है ना, अरे मम्मी रहने दीजिए ना, आज रात को ऐसा था तो सो गए थे, मम्मा कल जाएंगे, है ना। और कल कभी आता ही नहीं जी, कल कभी नहीं आता। सो जिसका भी जो काम है ना, वो चाहे जिम जो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर करके दुनिया में कोई काम मत कीजिए। आपके जितने पैसे कमाए ना वो पूरे डालने पड़ेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ, समझ रहे। काम ऐसा कीजिए कि सेहत भी बन जाए और पैसे भी कमा लो। यार मिलियनेयर क्लब में आ गई, क्या मजे किए, सेहत भी पा ली, जितने खर्चा किया उसमें डबल कमा लिया कई गुना। हाँ, इसको बोलते स्मार्ट ब्रेन, सही है, इसको बोलते स्मार्ट ब्रेन। तो स्मार्ट ब्रेन का जब नाम आया तो आरजी प्लस हम भूल नहीं सकते, राइट, है ना, एनर्जेटिक बूस्टर, एनर्जी बूस्टर। अभिषेक हमेशा कहते हैं यार नींद ना आना अपना सेशन के पहले ना, आरजी पी लो तो नींद नहीं आएगी, किसी को आलस नहीं आएगी, है ना, हमेशा बोलते हैं। और मैं आरजी पी कर ही बैठो यहाँ पे, वेरी गुड, रहना ही चाहिए हाथ में। और एक चीज बता दो, इसके साथ हनी का पानी भी आप लोग ले सकते हैं, वो भी इसी तरह एनर्जी बूस्टर का काम करता है। लेकिन आरजी से भी आप यदि अच्छी नींद, जिनको नींद की बीमारी है ना दोस्तों, वो भी सोने के एक घंटे पहले यदि आप आरजी प्लस लेते हो तो काफी देर एनर्जेटिक रहते हो और बाद में आपको सुकून भरी नींद आती है। आप देखो जब बहुत दौड़ के एकदम खूब एक्सरसाइज करते हो, मान लो बैडमिंटन खेलने गए आप, जब बैडमिंटन खेल के एकदम पसीना पसीना हो गए, फिर उसे पहुंच कर जब आप एक जगह बैठते हो ना, आपका बदन ढीला पड़ता है कि नहीं, आपको लगता है ना मस्त तो सो जाए, राइट, उसके बाद आप स्नान कर ले तो फिर लगता चलो एक्टिव हो जाए, सही है। इसी तरह से एनर्जी ड्रिंक्स जो पिए जाते हैं उसमें भी कुछ क्वालिटीज रहती है। दूसरी बात, मसल्स को टाइटनिंग देने का काम करता है जी, आपके ब्रेन को बढ़िया रखता है, मस्त रखता है, एक्टिव रखता है, खूबसूरत रखता है, मैसेजेस बहुत अच्छे कन्वे कराता है। उसके साथ आगे बढ़ते हुए कुछ अलग भी पॉइंट, छोले डोले का तो अभी फैशन है भी, लड़कियां भी टाइट कराती है बॉडी शॉडी, है ना, सभी के लिए है, ठीक है, जिम जाते हैं। और जिम ना भी जाए ना तो हाउसवाइफ को भी बोलती हूँ, भाई इन बच्चों को पालने के लिए अपने को भी जिम करना पड़ता है, समझे। तो जिम तो करना पड़ेगा, यानी दिमाग का जिम हो चाहे शरीर का हो, आपने उसकी रख रखाव अच्छी करनी चाहिए। तो इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे भी बहुत अच्छा रखता है। ब्लड क्लॉट्स को हटाने के लिए हम इसके साथ आर्टिक्सी का सेवन करें तो ब्लड क्लॉटेजेस हट जाते हैं, शरीर में कहीं भी गिराने हो 100% हट जाती है। साथ में मसल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। तो जो जिम जाते हैं वो अलग अलग तरह के एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, उसको आप सलाह दे सकते हैं कि आप इसका सेवन करें, जिसके आपके आपने अभी भी एक न्यूज आई थी, मैं नाम भूल जाती हूँ, मैं नोट डाउन नहीं कर रखी हूँ, कि वो जिम ट्रेनर की मृत्यु हो गई, यंग बच्चे की, ठीक है, क्यों, उनके द्वारा जो ड्रग्स लिए जाते हैं ना, उनके द्वारा वो ड्रग्स की वजह से ओवरडोज हो जाता है। तो ये सलाह, हाँ जी, आप ये सलाह जरूर दे सकते हैं। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, बैड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल में से बैड कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने का काम करता है आर्टिक्सी, ओमेगा 3, 6 और 9 के बैलेंस के साथ, और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल के निर्माण के लिए हेल्प करता है आपको आरजी प्लस। तो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ, और स्पेशली फिजिकल स्ट्रेंथ का तात्पर्य है जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जो रनिंग करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, अपने आप को उसमें देखते हैं ना, उनके लिए आरजी प्लस वरदान। कई बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर ना बहुत अच्छे से ये करते हैं, इसका सेवन करते हैं, राइट। तो ये हमारा आरजी प्लस भी साथ में हो गया। अब कुछ लोगों की क्वेरी ना, मेरे ख्याल से एक एक प्रोडक्ट को बताने की अपेक्षा ना मैं बीमारियों के साथ कनेक्ट करती हूँ। आई होप आप लोगों को इससे ज्यादा, है ना, सुविधा हो जाएगी। चलिए, पहले हमने किसी ने थायराइड के बारे में क्वेरी रखी थी, तो मैं थायराइड के लिए, थायराइड पीएच बैलेंस करने के लिए, आपकी गलफड़ों को सही रखने के लिए, चिकनाई युक्त रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए, जो आपका माइनस भी होता है प्लस भी होता है टीएच, आप उसे बैलेंस रखने के लिए सबसे पहले रॉयल जेली का सेवन करिए,
एलोवेरा जेल यदि डायबिटीज नहीं है तो सॉरी है तो डायबिटीज है तो आप एलोवेरा लें, नहीं है तो वेरी बेटर। हर बार ध्यान लीजिएगा इस दो प्रोडक्ट के साथ आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, हर कोई पी सकता है ये दो प्रोडक्ट, किसी में ऐसा नहीं मैन वुमेन नथिंग, बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एलोवेरा जेल इसमें पीजिए या बेरी नेक्टर लीजिए और साथ में रॉयल जेली और आर्टिक्स। इसे आप ईमानदारी से 6 मंथ अच्छे से कीजिए, हर 3 महीने में आप अपनी टेस्ट करवाइए। आपके जो थायराइड की जो टैबलेट है ना, जो भी आपका डोज चल रहा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से आपकी बॉडी में, मुझे बताइए थायराइड का कोई कीड़ा आता है कि इस मौसम में वो कीड़ा आया किसी को काट गया, ऐसा होता है अभिषेक? मॉस्किटो आया बच जाओ टीएच हो जाएगा थायराइड हो जाएगा, नहीं ना, ये हमारी डेफिशिएंसी की वजह से। अब जब उस ऑर्गन को हमने खाना भरपूर दे दिया, अब जब मान लो अभिषेक को बड़ी भूख लगी है, वो कैसा सेशन लेगा भाई हमारा? चिड़चिड़ा के लेगा, सोचेगा फटाफट खत्म हो जाए, यदि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा तो भी जरा गर्म होके बोल देगा, है ना। लेकिन जब उसका पेट भरा रहेगा, सुकून रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा तो बढ़िया सेशन देगा। इसी तरह से आपका पीएच भी आपको तब हेल्पफुल रहता है जब उसका खाना पूरा ओके। जी जी, हेडेक भी आता है, चक्कर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आपने ये चीजें नोट डाउन कीजिए, इन 3 प्रोडक्ट से ना 100% आपको रिजल्ट आएगा ओके। और कई लोगों को चक्कर आना, जैसे अभी लिखा था किसी ने कि उनको चक्कर आते हैं और चक्कर, अरे वीकनेस और चक्कर के लिए ना बेरी नेक्टर पियो, खुश रहो, चक्कर वक्कर भूल जाओ। घर में यूज करते नहीं है ना, बस ये सब विषय। आप इस इंडस्ट्री में आए हैं ना तो शुरुआत अपने से करो यार, सच में बता रही हूँ, शुरुआत तो अपने से करो। यदि आप सिर्फ बेचने के लिए आए हो ना तो ये बेचने वाला उद्योग है ही नहीं, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ईमानदारी के साथ में खुद पे लगा डालो और आपको वो हेल्थ मिलेगी ना, कोई बोलेगा मतलब आपको ना बताने के लिए कोई रोकेगा ना तो भी रुक नहीं पाओगे, इतने फायदे हो जाएंगे आपको। ठीक है जी, किडनी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम, यस किडनी की बार है, तो आप इसमें भी आप नेक्टर और जेल के साथ। लेकिन यदि आपका सोडियम बढ़ा हुआ है, आपकी रिपोर्ट्स में सोडियम बढ़ा हुआ है, तो आप इसे उस समय ना लें। जब सोडियम संतुलित हो जाए उस समय आप ये ड्रिंक्स लें। उसके अलावा आप हनी का पानी पिए, हमारे हनी का पानी पिए। ठीक है, किडनी की बात कर रही हूँ, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, स्वेलिंग आ जाता है, उसकी बात कर रही हूँ। आप हनी का पानी पिए और साथ में C+ ज्यादा मात्रा में ले और रॉयल जेली ले, इतना भी आप लेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसके बाद जिसको प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम होती है वो हमारा शेक जरूर, राइट, वो हमारा शेक जरूर। शेक के कई तरह के लड्डू बना सकते हैं, शेक बन सकता है अलग अलग तरीके से, आपको जैसे समझ में आता है। कुछ नहीं, पानी में डाल के आप लिक्विड ले लो, लेकिन उसे जरूर। हाँ जी, चलिए थायराइड हो गया, अब डायबिटीज, यार नंबर 1 पे है भारत, इधर जाओगे ऐसे चीजों में नंबर 1 बनेंगे तो क्या करेंगे आगे जाके, आने वाली जनरेशन को हम क्या गिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि यदि मुझे डायबिटीज होता है तो मेरी आने वाली जनरेशन में उतरने के 99% चांस होते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए, एलोवेरा जेल और आर्टिक्स का सेवन अच्छे से कीजिए, साथ में हर 3 महीने में 1 टैबलेट एक्टिव प्रोबायोटिक के ले लीजिए। जी, एक्टिव प्रोबायोटिक 3 महीने में एक बार, ठीक है। और सेम इसके साथ में पाइल्स की प्रॉब्लम, अयो हम तो महाराष्ट्र में है अभिषेक, पाइल्स की प्रॉब्लम में, फिशर्स की प्रॉब्लम में नंबर 1 है भाई, ऐसे तैरता हुआ खाना चाहिए हमको, है ना, किसमें, तेल में और मसालों में डूबा खाना पसंद है लोगों को हमारे यहाँ ना महाराष्ट्र में, जितने महाराष्ट्र के सब स्माइल कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं मैम, थोड़ा तीखा ना बना तो शिकायत आती, खाना अच्छा नहीं बना, ठीक है, फिर जो जलता है ओहो सीधे भागो, ठीक है, डॉक्टर के पास, राइट, सब कुछ बंद हो जाता है, एकदम बॉइल्ड वेजिटेबल में इंसान आ जाता है, ऐसी हालत हो जाती है। उससे बेहतर है कि आप बिल्कुल समय पे अपने पेट को ठीक कर लो, गट हेल्थ को ठीक कर लो। तो सबसे पहले एलोवेरा जेल 3 महीने में 1 एक्टिव प्रोबायोटिक, उसको हर महीने खाने की आवश्यकता नहीं, आप 3 महीने में 1 एक्टिव प्रोबायोटिक ले लीजिए, C+ लीजिए, ठीक है, C+ लीजिए, इतना भी लेंगे और एलोवेरा जेली। आज जितने भी साथी हमारे साथ हैं, आप 300, 500, 800 जितने भी लोग हैं या YouTube बाद में देखेंगे, सबको सजेशन दूँ, एलोवेरा जेली जो ट्यूब है ना, ये अमृत के बराबर आपके आंगन में होनी चाहिए।
ये जैसे तुलसी का पौधा हमारे कल्चर में खड़ा रहता है ना, वैसे आपके घर में ये ऐसा फर्स्ट एड है जो हर संकट में आपके लिए तुरंत काम आएगा। आपका बच्चा गिर गया और उसको ब्लीडिंग हो रहा है, दांत निकल गया, ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ फंस गया, वो आप एलोवेरा जेल लगा दो भर भर में, ना जलेगा उसको, ना तकलीफ होगी, वो ना जख्म चला जाएगा, दाग भी नहीं पड़ेगा। आप अच्छे खासे जल गए हो ना, फटाफट उसको साफ करो, एक्टिवेटर लगा के साफ करो या एलोपोर से साफ करो और उसके ऊपर आप एलोवेरा जेल का पूरा लगा दो। अंदर का मसल्स गहराई से खत्म नहीं होगा और नया मसल्स जल्दी निकल जाएगा। कहीं से भी छोटी मोटी भी चीज, मुंह में छाले हो गए हो आप उसमें लगा दो, गले में बहुत खराश हो गई किसी भी कारण से, ज्यादा तकलीफ हो आप गले में लगा दो, दांतों पे मसाज कर लो जी, मसूड़े ज्यादा वीक हो गए थे, ठीक है, अचानक की बात कर दी। चेहरे पे कहीं कोई दाग है रोज लगा के रो, डेली सुबह नहा कर आप थोड़ी देर के लिए जैसे क्लिंजर कर लेते हो ना अभिषेक, उसके बाद थोड़ी देर, आधा घंटा, पौन घंटा, दो घंटा, जितना मन करे आपका एलोवेरा जेल लगा के छोड़ दो, क्योंकि इसकी दिखता तो है नहीं और इसको धोने की आवश्यकता नहीं है, राइट। आप ये लगा लो, आपका चेहरा देखो कितना पानीदार चमकदार लगता है, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। तो ये ना, ये ऐसी चीज है जिसको आप रखो। फिर पाइल्स की बात चल रही थी ना, तो पाइल्स और फिशर्स पे आप उस द्वार पे जहाँ पे तकलीफ है वहां पे आप अच्छे से फिंगर से भी आप उसको अंदर डाल सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, ये गहरे जख्मों को भरने में मददगार होता है, ओके, डीप गहरे जख्मों को। फिर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जरा सा भी कहीं मार लग जाए तो आप नोटिस करिए उसका जख्म भरता नहीं, उसके नेल्स पे लग जाए, उसको कहीं लग जाए, जल्दी जख्म नहीं भरता। आप उन्हें ना सबसे बढ़िया एलोवेरा जेली लगाइए, एक्टिवेटर से वॉश कराइए यानी साफ कीजिए और उस पर एलोवेरा जेली लगाइए, आप देखिए कुछ ही दिनों में उसका जख्म भर जाएगा। और यदि पल्पी हो जाता है तो आप क्या करें, उसके साथ प्रोपोलिस लगाएं, ओके, तो इससे भर जाएगा। बेड सोर्स की समस्या होती कई लोगों को, जिसको सोए सोए पीठ में यहाँ वहाँ सारे बेड सोर्स आ जाते हैं, आप उनके उनके दर्द को आप सह नहीं सकते हो, देखो तो ऐसे जख्म गहरे हो जाते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक बंधन है कि वो एलोवेरा जेल का सेवन जरूर करें, क्योंकि इंटरनली जख्म को भरने के लिए एलोवेरा बहुत बड़ा काम करता है। तो एलोवेरा के साथ में यदि आप ये प्रोपोलिस और जैसे मैंने कहा एलोपोर्स से उसका धो लीजिए या एक्टिवेटर से धो लीजिए, फिर प्रोपोलिस और साथ में एलोवेरा जेल, पहले एलोवेरा जेली भर दीजिए उस खड्डे में, उसके ऊपर प्रोपोलिस लगा लीजिए, बहुत जल्दी वहां से नई त्वचा आ जाएगी और जख्म भरना शुरू कर देंगे, ओके। आई होप कि आप सभी को ये हेल्प मिलेगी जरूर। अभिषेक कुछ कहना चाहते हैं बताइए। एक प्रश्न यहाँ पर कि वेट लॉस और गेन करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है? बात है, मैंने यहाँ ना ऐसे बड़े अक्षरों में लिखा है वेट मैनेजमेंट 22 जुलाई। और आप सबको एक चीज, आप सबके लिए खुशी की बात है कि मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, ठीक है, मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। 22 जुलाई आपके नियर जो भी आरडीओ हो, सारे भारत के आरडीओ में एक्टिविटीज होने जा रही हैं वेट मैनेजमेंट पर, किसने देखा इसी मंथ, तो हम सभी हैदराबाद जाने वाले हैं, ठीक है, हम 7-8 लोग जा रहे हैं यहाँ से और वहां पे हम लोगों को काफी चीजें सिखाएंगे। तो आपकी तरफ से भी हैदराबाद में कोई हो तो उसे जरूर भेजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपके किसी के भी कोई हो मुझे उनको बोल दीजिएगा कि इनके यहाँ से आए हैं, मैं उनको गाइड करूँ, राइट। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है विद एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट नॉलेज ऑल्सो, 3 घंटे का रहेगा और बहुत अच्छे अच्छे गेम भी हम खिलाने वाले हैं, तो एंजॉयमेंट के साथ किया जाए वो कार्य, हमेशा लोगों को अच्छा लगता है, राइट। तो ये एक्टिविटीज होने वाली है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो, देखिए दुनिया में अलग अलग कंपनीज अपने अपने तरीके से वेट मैनेजमेंट आपको समझाती और सिखाती है, राइट, कई तरीके होते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो क्लीन 9 किट है, अब वो क्लीन 9 किट मतलब 9 डेज में सब कुछ हो गया ऐसा नहीं होता है, 9 डेज में आप तैयार हो जाते हो भविष्य में बहुत शानदार वेट मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इतने दिनों में आपका वेट इसीलिए तो बढ़ा है कि कई तरह की दवाइयाँ, कई तरह का गलत साइकिल, कई तरह का जो आपका थायराइड था इनबैलेंस होना या किसी भी तरह का प्रॉब्लम या जेनेटिक प्रॉब्लम, राइट, इन सारी समस्याओं को इतने समय से ढो रहे थे, तब तो और वेट हुए ना, 2 दिन में तो कोई मोटा नहीं हो गया, तो कैसे 2 दिन में पतला हो जाएगा, हाँ जी। तो इसको ना सही तरीके से बनाया हुआ इसका मापदंड है, इसमें आप सही तरीके से करते हो 100% जितनी बीमारियां ना आपके शरीर में, पहले तो वो चली जाती है। आपको लगता है यार मेरा पैर दुख रहा था, मैंने तो कोई इलाज नहीं किया, पैरों में से स्वेलिंग गायब हो जाती है, पैरों में से स्वेलिंग, इंसान बड़ा खुश हो जाता है, जो चीजें नहीं हो रही थी वो होनी शुरू हो जाती, समझ पा रहे हैं, कई जूते नहीं होते, कई शूज मतलब चप्पलें नहीं हो पाती, वो बड़े खुश हो जाते हैं। महिलाएं खास करके पैरों में जो डालती है बिछिया वगैरह, वो खुशी, मैडम मेरा तो सब पूरा हो जा रहा है, अंगूठियां पूरी हो जा रही है अचानक से,
तो ये स्वेलिंग आपकी चली जाती है, ये बड़ी खुशी होती है। जब स्वेलिंग चली जाती है ना दोस्तों, तो आपकी बॉडी में जो आपकी हड्डियों को पोषण चाहिए ना ब्लड के मार्फत, वो बराबर से मिलता है। जब बॉडी में स्वेलिंग रहती है तो आपकी हड्डियाँ कमजोर होना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन पहुँच नहीं पाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है एक दूसरे के ऑर्गन से। तो हमारे क्लीन एंड किट में जितने प्रोडक्ट्स हैं, उस सारे प्रोडक्ट्स में इतना दम है, जिसमें देखो आप आरजी प्लस भी है, फाइबर भी है ना, एलोवेरा जेल भी है, और क्या है, गार्सिनिया प्लस है। पहले और भी आता था, ठीक है ना, पहले और भी दो प्रोडक्ट्स आते थे, अभी उसको हटा के इतने में ही काम हो जा रहा है। जितने जो प्रोडक्ट्स है उसको उसी तरह से खाए पिए, कई सारे पीएच इंबैलेंस वाले व्यक्तियों को वो 100% रिजल्ट मिलेगा विदाउट एनी डाउट। बस आप खाली बजट बजट करोगे, कुछ नहीं हो सकता। आप बजट बजट मत करो, जिंदगी जिंदगी करो। और जब उसको खाओगे पियोगे ना, लगेगा यार क्या टेस्टी है, इतना बढ़िया है ना। जी करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हम यदि एफएलपी कर रहे हैं और इतने लाखों रुपए यहाँ से कमा रहे ना। हाँ जी, बॉडी में दर्द रहता है ये कह रहे हैं ना आप शायद, एक सेकेंड मैं आपका ले लेती हूँ। हाँ जी, डायबिटीज है और उनके पाँव में, यस यस जी हाँ, क्योंकि देखिए डायबिटीज का काम ही होता है कि वो आपका मस्कुलर हेल्थ पूरा डाउन कर दे, ठीक है, और हड्डियों में रोक दे, ये इसका काम ही, क्योंकि डेफिशिएंसीज क्रिएट करता है। ओके, अब आप उसके लिए सबसे पहले एक्टिव एचए उनको दीजिए, एलोवेरा जेल के साथ एक्टिव एचए उसका शुरू कर दीजिए अच्छे से, और आप उनको हीट लोशन दीजिए। यदि सारे मसल्स में है तो कितने बॉडी में लगाएंगे ना, लेकिन जॉइंट्स में हो तो जॉइंट्स के लिए आप एमएसएम जेल के साथ में हीट लोशन दीजिए जरूर से। 100% फर्क पड़ेगा बेटा, 100%। ठीक है, आज के सेशन में मैं कहने वाली थी अभिषेक, पर हम दोनों बिजी थे तो बात नहीं हो पाई, कि आज ना सभी अपने पेरेंट्स को लेकर बैठे, जो भी उसके घर में उनके माता पिता वगैरह जो भी हो, सभी को लेकर बैठे, बहुत काम आता था उनको। बट कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो यहाँ से वो काफी अपना अच्छे से मतलब शेयर भी कर पाते हैं। हाँ जी, नींद नहीं आती 3 बजे तक। सभी को प्रॉब्लम है, सभी को है ना, बट सभी का आप देते रह जाएंगे या फिर सभी के 5 बज जाएंगे, है ना। वैसे तो सभी क्या है, एज कैसे बढ़ा रहा है, पेरेंट कैसे हो रहे हैं, क्या कॉमन चीजों को मैं ले ही लेती हूँ जो मैंने लिख के भी रखी है ताकि मिस ना हो जाए। तो ठीक है, मैंने जैसे आरजी प्लस के बारे में हमने जान लिया, तो जैसे नींद की समस्या की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले एलोवेरा जेल और आरजी प्लस का सेवन करो, नींद की समस्या 100% चली जाएगी। ओके, एनर्जेटिक भी रहोगे। इसके बाद जो हनी की बारी है, हनी आपकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को खत्म करने में सक्षम है। अब इसको कैसे पीना है, तो गर्म पानी में घोल कर पीजिए या चम्मच से अदरक का जूस डाल के उसको पीजिए, है ना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को। और साथ में आप एक्टिवेटर लीजिए, तो डायबिटीज में ये काम करता है एज ए स्वीटनर, क्योंकि आपको कुछ तो स्वीट किसी तरह चाहिए, तो आप इसको स्वीटनर के रूप में लीजिए। ब्लड शुगर प्रॉब्लम जो रहती है, ब्लड का जो प्रेशर रहता है उसको संतुलित करने के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम में भी ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसकी कंटेंट है। एलर्जिक प्रॉब्लम जो होती है आपकी स्किन में, कई तरह की एलर्जी होती है, लंग्स की भी एलर्जी होती है, खांसी सर्दी दमा बार बार फीवर हो जाना, इन सब में भी आप डेली बेस पर यदि इसका सेवन करते हो तो 100%। अब दूसरी बात, वेट की बात आई थी, वेट बढ़ाने वाले भी कुछ लोग आते हैं जी, एकदम दुबले होते हैं, मुझे वेट बढ़ाना है, क्यों अभिषेक सही है? तो आप इसे गर्म पानी, दूध में लीजिए, ठंडे दूध में बढ़िया शेक बनाइए इसका, और साथ में हनी डालिए उसमें, और कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट वाला फ्रूट डालिए हमारे अल्ट्रा लाइट शेक के साथ में, और इसको चर्न करके बढ़िया पी लीजिए ठंडा ठंडा, 100% आपको इसमें फायदा होगा। सेम हनी को इस्तेमाल करेंगे यदि आपको वेट कम करना है, तो वही लेमन जूस का जो फॉर्मूला चला रहता है, तो आधा लेमन जूस और आधा हमारा हनी गर्म वाटर में पीजिए, इससे भी बहुत अच्छा काम करता है। साथ में थोड़ा अदरक का भी उसमें डालिए, अदरक का जूस भी डालिए, 100% काम करता है। ओके, और दूसरी बात, जख्मों को ठीक करने का, ये सेंटेंस को बार बार बता रही हूँ, हमारा जो हनी है इसके जो कंटेंट है वो आपके इंटरनल जख्मों को ठीक करने में काम आते हैं। मतलब क्या हुआ, अंदरूनी जख्म कहाँ होते हैं, अल्सर में, जो अल्सरेटिव पेशेंट होते हैं उनको भी हमारा एलोवेरा जेल बहुत काम करता है। साथ में एक्टिव प्रोबायोटिक कंपल्सरी, उसको 6 महीना लेना चाहिए लगातार, क्योंकि उसका नेचुरल एक्टिव प्रोबायोटिक बैक्टीरिया नहीं बनता है,
इसकी वजह से उसका गट हेल्थ ऐसा हो जाता है कि वो सिस्टम वर्क नहीं करता और उनको जख्म हो जाते हैं, कोलाइटिस। ओके, तो उनको ये देना बहुत जरूरी हो जाता है। फाइबर इनके लिए मस्ट हो जाता है, फाइबर इनके लिए मस्ट हो जाता है। तो एलोवेरा फाइबर, हनी का पानी, क्योंकि हनी के पानी से उनके जख्म में दर्द नहीं होगा, ये उसको बड़ा फायदा होगा। सेम जो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि पाइल्स की प्रॉब्लम, उनके लिए भी हनी का पानी बहुत गुणकारी होता है, राइट। तो ये था हमारा हनी पेस्ट, हनी, ये सारी चीजें हो गई। स्किन प्रॉब्लम में हमने शुरुआत की थी, दो ही बातें मैंने की थी, उसके बाद तीसरी भी बात आती है जी कि जैसे हमारे फेस में पैचेस हो जाते हैं, दाग धब्बे, है ना, उबड़ खाबड़ सा फेस हो जाना, दाग धब्बे, तो आप दाग धब्बों के लिए भी ना यही दो तीन चीजें हैं और ग्लोइंग स्किन का लिख लीजिएगा। तो चेहरे के दाग धब्बों के मिटाने के लिए सेम प्रोसेस, एवोकाडो सोप से वॉश कीजिए, जेल क्लिंजर से साफ कीजिए और उसके ऊपर लगाना है हमारी एपीप्लान, वो दोनों मिक्स करके लगाइए। और रात को जब आप सोते हैं उस समय आप सिर्फ एपीप्लान जो है उसको मात्र उन स्पेशल जो जगह है ना उसी मार्क्स के ऊपर ही सिर्फ लगाइए, इतना एक्स्ट्रा कीजिए, बहुत अच्छा फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद ग्लोइंग स्किन, तबीयत खराब रहा है ना, ये प्रोडक्ट यूज कर रहे थे ये, हां कंपनी ज्वाइन की, सबको चाहिए स्किन प्रॉब्लम। जय यादव, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, बिल्कुल चाहिए मैम, सही है बिल्कुल, है ना। तो हर किसी को खिलखिलाता स्किन, ताजगी भरी, हैप्पी स्किन सबको चाहिए, है ना, हेल्दी स्किन चाहिए। काले गोरे अलग बात होती, हैप्पी स्किन, हेल्दी स्किन चाहिए। इसके लिए बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है, एवोकाडो से धोइए, जेल क्लिंजर से साफ कीजिए और साथ में अल्फा ई फैक्टर, अल्फा ई फैक्टर ऑयल इतना जबरदस्त है कि मैं बता ही नहीं सकती। और साथ में अपना एलो मॉइस्चराइजर, ये दोनों मॉइस्चराइजर लीजिए, उसमें दो तीन बूंदे आपकी फैक्टर की डालिए और उसको आप लगा लीजिए, कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्यारा चेहरा लगेगा आपका, एकदम स्किन शाइन करता है। आज भी हम कहीं शादी ब्याह में, मैं या मेरी सिस्टर्स, हम जाते हैं, अभी ज्वाइन है सभी, हम कहीं भी जाए पहले वो दो चीजें लगाई जाती है बेस के रूप में, उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत कुछ लगाया जाता है और 99 टाइम्स तो इसी से हमारा मेकअप होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये तीन चीजें रेगुलर बेस पर लगाने पे आपकी स्किन कितनी अच्छी हो सकती है। दूसरी बात, रिंकल फ्री त्वचा, या शायद मेरी एज के भी कोई ना कोई आसपास होंगे, या गर्ल्स अपनी मम्मा को है ना यंग बनाने के लिए कोशिश करें, राइट राइट अभिलाषा, सही है। तो हम कोशिश तो सभी चाहते हैं, तो सभी है यार अंदर से कि यंग दिखे, जुरिया ना पड़े, तो आप उसके लिए भी ना अल्फा फैक्टर का इस्तेमाल कीजिए। बकायदा वो नाइट क्रीम के लिए भी वो सपोर्ट करता है। तो इसमें जो हमारा मॉइस्चराइजर है उसमें अल्फा फैक्टर मिलाकर रात को थोड़ी अच्छी प्रमाण में लगाइए, यानी अल्फा ज़्यादा डालिए उसमें, तो नाइट को वो एक्स्ट्रा लगाइए, इससे ही आपका वो रिकवरी हो जाता है, आपको बहुत अलग अलग क्रीम मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। तो हमें हमारा पर्सनल केयर, स्किन केयर कैसा होना चाहिए, वो चार पाँच चीज़ें ऐसी पर्टिकुलर होनी चाहिए जिससे हम सारी चीज़ें कर सकें। बहुत सारा यदि ड्रेसिंग भरा है ना तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, सही बात है, तो इस तरह से आप उसे लगाइए। हाँ जी, तो सोनिया जेल क्लिंजर तो बहुत ही शानदार है, जब सोनिया लॉन्च हुआ तभी हम खुश हुए थे, तो ये एक आपको बता दिया मैंने, फेयर स्किन का भी बता दिया। हाँ, एलो फर्स्ट बालों का बड़ा खेल है भाई, सही है, सबकी बड़ी समस्या होती मैम बाल चढ़ना, शैम्पू कंडीशनर, एलोवेरा जेली और साथ में एलो फर्स्ट, एलोवेरा जेली और एलो फर्स्ट। आप एलोवेरा जेली और एलो फर्स्ट को मॉर्निंग उठते बराबर या रात को सोते समय स्कल्प में लगा लीजिए, अच्छे से स्कल्पल लगा लीजिए और उसको, हाँ सोते समय, और कॉम कीजिए बढ़िया, वो आप लोग क्या करते हैं जेल वगैरह लगाते हो ना, स्टाइलिंग जेल, ऐसा दिखेगा बढ़िया, ठीक है। मुझे कभी मन करता है मॉडलिंग लुक में, कभी मैं सेमिनार हूँ, मैं वो दोनों लगा लेती हूँ, बढ़िया एक दो घंटे के सेमिनार होते हैं, उसके बाद वॉश कर देते, दोनों काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने रिपीट करो इसको ना, क्या बताया आपने, सभी ध्यान सुनो, एक बार आपने बताया रॉयल जेली, जो आप अपने स्किन पर यूज करते हो, एलोवेरा जेली, एलोवेरा जेली, रॉयल जेली खाने के, एलोवेरा जेली फर्स्ट, और सेकंड है मैम एलो फर्स्ट मैंने बालों के लिए बोला है, हाँ, बालों के लिए तो लगाना है, सभी को समझ आ गया, बहुत सालों का यही डाउट होते हैं कि सर बाल 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 बताते रहते बहुत सारा, फर्स्ट है रॉयल जो अपना एलोवेरा जेली, एंड सेकंड है उसमें एलो फर्स्ट मिक्स करके जब आप सोते हो तो अपने बालों को लगा के लगा लीजिए, सोना है। उसके बाद जब आप जुजुबा शैम्पू और कंडीशनिंग करोगे, वॉश कर लोगे, अब बॉयज कभी कभी बोलते हैं मैडम कंडीशनर किधर लगाएं,
ये भी समस्या है, तो आपको कंडीशनिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको नेचुरल हो जाएगा सब। वॉइस की बॉल तो छोटे, वो कैसे कंडीशनर लगाए? क्योंकि आप लोग तो 15 दिन में ट्रिमिंग करते हो ना, तो आपके लिए वो समस्या नहीं। हम लंबे बाल रखते हैं तो हमें वो कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है रूट्स के लिए, तो आपके इसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने फिर उसके बाद क्या करना है साथ में? यस दिस इज सर, यस दीक्षा सही बता रहे हैं, ये एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल जो सभी के पास अगर नहीं होगा तो इसको परचेस कर लो, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, केश सेट भी चंगला है। अब बालों में फिर आप जब एलोवेरा जेल केश ना तो वैसे ही आपने उसमें एलोवेरा जेल लिया बालों में सुखा के नहीं, गीले बालों में एलोवेरा जेल लेना, कोम कर लेना, उसे ऐसे ही रखना, बस आपके डेंड्रफ चले जाएंगे, रूट्स मजबूत हो जाएंगे, और साथ में यदि बहुत जड़ रहे बाल तो आप पेटी में देना रहना, क्योंकि ना हम महिलाओं के लिए स्पेशली रॉयल जेली एक डिग्रा जी का एड्रेस दे, जिस तरह से एक महिला होती है उसका जो श्रृंगार होता है वो क्या होता है, उसकी एक अच्छी तिकड़े निंगला उदय परवाह करेंगे, उसका श्रृंगार होता है, इसी तरह से ना आपके शरीर के रख रखाव का ये एक अच्छा नेचर कहा जाएगा जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। कैंसर वाला तो मान जोड़ हर महिला ने हर लड़की ने खास करके लेनी चाहिए, बाकी जो लड़के मुस्कुरा रहे उसके लिए भी फायदा ही करती है जी, खास करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने लगभग सारे कहा, मैं और एक थोड़ा सा ले लेती हूँ माइग्रेन के लिए, इसमें कई लोग होंगे जिसको माइग्रेन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। आज की युवा पीढ़ी में माइग्रेन की समस्या ज्यादा है, इसकी वजह है हमारा खान पान, आदतें, मम्मी की बात ना सुनना, ठीक है, लेट नाइट तक जागना, ये सब कुछ तो ये होता है, राइट? तो इन सारी चीजों में डाइजेस्टिव सिस्टम गट हेल्थ बहुत गलत हो जाता है, जो सिस्टम बिगड़ने की वजह से आपको माइग्रेन की समस्या होना शुरू करता है। इसके लक्षण में आपको सरदर्द तो करता है, आंखों तक पूरा पेन आता है, गर्दन तक पेन आता है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने की समस्या भी काफी लोगों को आती है, कुछ लोग तो खड़े भी नहीं हो पाते, तो आप मेडिसिन से ही अपने आप को ठीक करते हो दो चार दिन, है ना, तो कुछ बोल दे तो गुस्सा आ जाता है, ज्यादा जागरण कर लो, ज्यादा धूप में निकल जाओ, है ना, ज्यादा टेंशन ले लो तो आपको माइग्रेन हो जाता है, सही बात है, कुछ ऐसे फूड को ले लिया तो उससे एलर्जी, तो इन सारी चीजों के लिए आप सबसे पहले दिल खोल के या तो नेक्टर या फिर आपने लेना जेल, एलोवेरा जेल, 3 महीने में एक बार आपने एक्टिव प्रोबायोटिक इसमें कंपल्सरी लेना, 3 महीने में एक बार, ठीक है, और साथ में हीट लोशन हमारी रखनी है, हीट लोशन हर बार जब भी ये पेन स्टार्ट हो रहा है तब तो आपने पूरे यहाँ से लेके कान के पीछे गर्दन के पीछे लगाना ही लगाना है, आपको लगता है पेन यहाँ से स्टार्ट होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ माइग्रेन का पेन आपके नेक से स्टार्ट होता है, आपके कान के पीछे की नसों से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपने इन सारी जगह पे जरूर लगाना। सेकेंड वन, आपने डेली बेस पर आपके नेक पे ना हीट लोशन अप्लाई करना, डेली जब माइग्रेन हो रहा है तब ने डेली लगाना, रोज रात को सोते समय, आप 24 घंटे तो कोई इंसान बाहर जाएगा तो नहीं भी लगाएगा लेकिन सोते समय आप जरूर लगाइए, ठीक है, और इसके साथ आपने सी प्लस खानी है और आर्टिक सी, सी प्लस और आर्टिक सी खाना, एलोवेरा जेल या नेक्टर, सी प्लस और आर्टिक सी, इतना लीजिए और 3 महीने में, अब इंस्टा तो आपके पास रहेगा ही, मैं चैलेंज कर रही हूँ 3 मंथ्स में आप पहले महीने में इतना अच्छा लगेगा, 2 महीने में ना आपका गैप हो जाएगा, यदि किसी को समझ लीजिए 15 दिन में माइग्रेन अटैक आता है उसको ऑटोमेटिकली 1.5 महीने में आएगा, 1.25 महीने में आएगा, ये ना ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा, तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि यार अभी तक आप याद करते हो, क्योंकि आपको याद रहता है 15 दिन में आता है, आप उसको मिस करते हो, आया नहीं अभी तक अटैक, आया नहीं अभी तक, लेकिन वो नहीं आएगा, ठीक है, अच्छी चीजें आएगी, खुशियाँ आएगी आपके जीवन में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ है बैक पेन की समस्या भी बहुत लोगों की होती है, जो बाइक चलाते हैं बच्चे उनको भी बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, तो एक चीज बताऊंगी, कोई चीज जब घट जाती है आपके जीवन में फिर उसको ठीक करने से बेहतर है कि आप डेली बेस पर, जब आपको पता है कि आज मुझे लंबा ड्राइव करना है तो आपने बैक पेन ना डेली बेस पर बैक पेन ना आपने अच्छे से हीट लोशन मल लेना चाहिए और MSM मल लेना चाहिए, फिर आप वो कीजिए तो वो भाग डैमेज नहीं होता, MSM जेल और हीट लोशन, और साथ में एक्टिव HA खाना शुरू की, यदि यंग एज में आपके द्वारा कोई काम करने पर आपकी बैक यदि जकड़ती है तो आप अभी से शुरू कर लीजिए कि एक्टिव एचए रोज की 2 खाएंगे तो ये समस्या बढ़ेगी नहीं, ठीक है, कहीं पैर दुखते हैं, जॉइंट्स दुखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी आजकल दुखते हैं ये चीजें, और यदि बड़ों को बैक पेन हो रही है तो सेम प्रोसेस है, 2 दिन में 2 टाइम, महिलाओं को खास करके ये समस्या ज्यादा होती है, 2 टाइम आप दिन में MSM पहले लगाइए उसके ऊपर आप हीट लोशन लगाइए, 2 एक्टिव HA खाइए और एलोवेरा जेल पीजिए, 1 महीने में आप उसमें चमत्कार देखिए, रिजल्ट देखिए, लेकिन 1 महीने में चमत्कार हो गया तो इसको छोड़ना नहीं है जी, प्रभु
छोड़ दोगे तो जहाँ वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। कुछ दिन, कम से कम 3 महीना निरंतर उसके लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि आपने उस कमर को इतना सताया है कि वो साथ देने वाली नहीं है जल्दी, समझ रहे हो। टूट गई तब तक पीछे पड़े रहे उसके, है ना, और उसके बिना जिया नहीं जाएगा। तो साथ तो वो चाहिए हमें, साथ तो वो चाहिए। तो उसे साथ रखने के लिए आप उसकी केयर कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कीजिए। आज मैंने आप सभी को क्यों कहा था कि हम सभी स्ट्रेट बैठेंगे, ये जो स्ट्रेट बैठने की हैबिट है ना, ये आपकी बैकबोन को काफी सालों तक अच्छा रखती है। आप बुजुर्ग अवस्था में देखिए, कई लोग 60 में ही मुड़ जाते हैं, हल्के हल्के मुड़ना स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी हाइट 45 के बाद धीरे 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 क्रमशः 0-0-0 उसमें करते करते माइनस होती जाती है। ये क्यों होती है? आपका कर्व हो जाता है इसलिए। तो आपकी प्रैक्टिस यदि इसी समय से सीधे बैठने की होगी तो वो समस्या लेट आएगी, ना के बराबर आएगी। आगे बढ़ते हैं, बैक पेन। फिर मस्कुलर पेन भी होता है भाई, मसल्स बहुत दुखते हैं, लगता है कोई दबाता रहे, है ना। बच्चों को तो माए बोलते यार चढ़ जा पीठ पे, तू जरा पैर दबा दे, सही है। और उसको देखना रहता है अपना फोन, फिर वो चढ़ते हैं, थोड़ा 2 मिनट दबा देते हैं, 5 मिनट दबा दे, लेकिन उसको संतोष क्या होता है, जब मसल्स में सारी नसें जब खुलती है और पेन करती है तो आप कितना भी कुछ लगाओ राहत नहीं मिलता, कितना भी सेक कर लो राहत नहीं मिलता, कितनी भी मालिश कर लो राहत नहीं मिलता। लेकिन आप यदि आरजी प्लस का सेवन शुरू कर दोगे ना, आरजी प्लस और एलोवेरा जेल का सेवन शुरू कर दोगे ना, तो मल्टीपल ये सारी तकलीफें दूर चली जाएगी। आपको अंदाजा नहीं होगा, आपने कारण कोई भी लिया हो, निवारण सारे हो जाएंगे जी, निवारण सारे हो जाएंगे, ये इसका बेनिफिट है, समझ रहे हैं। फिर इसमें किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, तो काउंसलिंग के लिए मेरी आवश्यकता पड़े तो आप लोग मुझे पर्सनली टच कीजिएगा इंस्टा पे, तो जहां ऐसा लगा जरूरी है तो मैं आपको समय देकर बातचीत कर लिया करूंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे द्वारा दिए हुए गाइडेंस से सचमुच लोगों को सेहत मिले। मैंने इस उद्योग को चालू, बिजनेस को चालू ही इसी पर्पज से किया था कि मैं एक अच्छे, मुझे एक बार अभिषेक जब घर आए थे, खाना वाना खाए, हम सबने खूब गप्पे मारे, कुछ हमने सीखा, उसने सीखा, बड़ी अच्छी बात है कि हम सभी ने, निशांत, अभिषेक सब बैठे थे, उसने बोला मैम आप क्यों काम करते हो, फैक्ट्री देखी, घर देखते हो, आप क्यों काम करते हो, आप जब करते हो तो सबको करना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों मुझमें नजर लगा रहे हो, अंबानी को बोलते हो कि काम ना करे सो जाए, है याद है अभिषेक, है ना, वो काम हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि इसमें किसी की भलाई छुपी। तो आज मेरा जो मोटो है ना, सिर्फ मेरे लिए नहीं हमारे लिए, जब हम पे आ जाते हैं ना तो इंसान रुकता नहीं है, इसलिए ये लगातार जो स्ट्रेंथ बनी हुई है ना मेरी कि करते रहना है, करते रहना है, अप्स एंड डाउन आते रहे लेकिन करते रहना। तो आज के इस सेशन से यदि आपके टीम में कई लोगों की सेहत में फर्क पड़ेगा तो सचमुच आप सभी मुझे जरूर ब्लेसिंग देंगे, मुझे पता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, राइट। तो इसके बाद है मस्कुलर पेन, तो उसमें एलोवेरा जेल का सेवन, एमएसएम हिप्नोशन और आरजी प्लस का सेवन करें तो मस्कुलर पेन चला जाता है। अब कुछ और चीजें होती है, पैरों में बवाइयां हो जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या ज्यादा पाई जाती है, तो पैरों में जो बवाइयां पड़ती बहुत डीप हो जाती है, आपने उसको हमारा जो लिक्विड सोप है उससे वॉश करना है, थोड़ी देर भिगो के उसको वॉश करना है और उसमें प्रोपोलिस क्रीम भर देनी है जी, ठीक है, एलोफस छिड़क के प्रोपोलिस क्रीम भर देनी है, 100% निकल जाएगी बवाइयां, कितनी भी गहरी हो, कितना भी खून निकल रहा है, 2 दिन में आपका खून निकलना बंद। अब आप सोचो आप अपनी माँ को ये गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि बवाइयां तो उसी के पैरों में होती है जी, जो आपको हर एक तरह की चीजें कॉम्प्रोमाइज करके पाल पोस के बड़ा कर दिया और आपको इतने बड़े नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने के लिए। तो बवाइयां तो उस माँ के पैरों में ही होगी, आपके पैरों में, है ना। तो आपका कर्तव्य है कि उसके पैरों की बवाइयां ना हो, उसे हम ठीक करें, या हमारे आस पड़ोस में भी किसी के पैर में ऐसा कुछ दिखे तो हम एक डिब्बे में डाल के भी उसको गिफ्ट कर सकते हैं, है ना। डोनेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, हम उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश कीजिए। तो ऑलमोस्ट हो गई, और ब्लड हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है जी, मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग 150 ml एलोवेरा जेल, आधे घंटे बाद पानी, और मजे करो दिन भर, ठीक है, फुल एनर्जी, गट हेल्थ जबरदस्त, फेस पे ग्लो, बाल ना जड़ेंगे, आपके बाल भी नहीं जड़ेंगे जी, नॉर्मल जड़ते हैं ना वो, तो सिर्फ एलोवेरा जेल से रिकवर हो जाओगे, कोई तामझाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से 10:14 हो रही है अभी, बहुत जरूरी कोई सवाल हो तो अभिषेक आपको दिखाओ तो मैं उसका ले लूं, अदरवाइज कैंसर कोजिंग एजेंट्स को खत्म करने के लिए भी हमारे प्रोडक्ट्स में ताकत रही है। कैंसर खत्म हो जाएगा ऐसी फालतू भाषा नहीं इस्तेमाल करनी हमने, इसमें से कैंसर जिनको हुआ भी है उसको भी राहत भरा जीवन मिलेगा,
तकलीफ कम होगी ये सारी बातें सबके लिए। और यदि हम विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेते रहे तो कैंसर न होने की संभावना जरूर है, राइट। तो हमारे द्वारा कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाए बहुत सत्य होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। मुझे लगता है कि आज के सेशन से आप सभी को जरूर हेल्प मिले। और सब सर लोगों के पास प्रोडक्ट्स थे बट लोगों को ये नहीं पता कि उसके यूजेस कैसे करनी है ना। अगर जिसने प्रॉपर से ध्यान दिया आप उससे देखा हो समझ आ गया कि मेरे अंदर जो कुछ कमी है, मेरे बाल खराब है, स्किन के अंदर बॉडी के अंदर, तो उसमें डेफिनेटली वो चेंजेस करेंगे। और अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आए, अगर जो आपको लगता है कि मैम ने जिसका रिप्लाई नहीं दिया, तो मैम की मैंने इंस्टा आईडी ऑलरेडी आपके पास दे चुका हूँ ना मैम। हमेशा आपको जब भी वो फ्री होंगे डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। अगर किसी का कुछ है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है जो आपके पैरेंट्स को या आपको है, तो आप मैम को पर्सनली डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। जब भी फ्री होंगे डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मंजू मैम, आप अपना प्रेसिस टाइम निकाल के मैम वेरी थैंकफुल कि आप आए हमारे सिखाया, ठीक है। और आप सभी आपके बच्चे आप अभी अभी सिखाते हो, आपके साथ हमें आगे लेके जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बाकी मेरी होल टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। बड़ी प्यारी क्यूट क्यूट रील्स बनाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी रखूँ, लेकिन उसी समय नहीं रख पाती हूँ। मैं एक महीना रखती रहूंगी आप सबकी रील्स को, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब जाओ सभी, जितने भी आप लोग खाना वगैरह खाओ और 10-15 मिनट की मीटिंग से भी अटेंड।